Good morning, students. Today our topic is psychoanalysis. Psychoanalysis आज का अपना टॉपिक है. प्रीवियस क्लास के अंदर भी अपन ने psychoanalysis के बारे में थोड़ा देखा था. प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने psychotherapy के बारे में भी देखा था. psychotherapy किस हिसाब से दी और क्या किसने दी और क्या फर्स्ट ऑफ ऑल सिगमंड फ्रॉयड है जिसने psychotherapy एंड psychoanalytic थ्योरी psychoanalysis दिया. क्यों दिया? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो भी मेंटल डिसऑर्डर थे उनके होने का कारण पहले समझा जाता था कि ऑर्गेनिक डिसफंक्शन के कारण, फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन के कारण मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं. बट सिगमंड फ्रॉयड ने ये बताया कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर है वो ऑर्गेनिक कारणों के अलावा, फिजियोलॉजिकल कारणों के अलावा साइकोलॉजिकल कारणों के कारण भी होता है. साइकोलॉजिकल रीजन के कारण, कॉजेज के कारण भी ये जो मेंटल डिसऑर्डर है वो अपीयर होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक थेरेपी दी, एनालिसिस दिया. उस एनालिसिस के थ्रू जो भी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रिग्रेस जो थॉट है उनको बाहर लेके आना और जो भी सिम्टम्स हैं उनको हील आउट करना. तो सबसे पहले अपन देखते हैं साइको एनालिसिस के स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल साइको एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप है फ्री एसोसिएशन. Then second, dream analysis. Third one is hypnosis. Fourth one is catharsis. Fifth is aberration therapy. तो ये fifth step है psychoanalysis के. Previous class के अंदर अपने free association, then dream analysis के बारे में discuss कर लिया था. Today we are going to discuss about hypnosis. What is hypnosis and the process of hypnosis, techniques of hypnosis, then catharsis and aberration therapy. इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिप्नोसिस का मीनिंग क्या होता है? दिस इज द आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ माइंड जो कि एक कॉन्शियस माइंड के अंदर होती है, रिलैक्स स्टेज के अंदर. इसके अंदर जो रिलैक्सेशन है बाय द गाइडेड बाय द थेरापिस्ट, जो थेरापिस्ट है वो रिलैक्सेशन थेरेपी के रिलैक्स करता है पेशेंट को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर. उसको रिलैक्स एक रूम के अंदर बिठा के एक पर्टिकुलर एक फिक्स ऑब्जेक्ट पे उसको उसका ध्यान केंद्रित करके उसको रिलैक्स किया जाता है बाय द ओरल इंस्ट्रक्शन. ओरल इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको रिलैक्स किया जाता है. देन उसका जो कॉन्शियस है उसकी एक अल्टर्ड स्टेट के अंदर उसकी एंट्री कराई जाती है. अल्टर्ड स्टेट के अंदर जो कॉन्शियस ब्रेन है उसके अंदर उसकी एंट्री कराई जाती है और उससे कुछ रिलेटेड टू उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, थॉट्स हैं वहाँ पर फोकस किया जाता है. रिलेटेड टू क्वेश्चंस हैं जो पूछे से पुट आउट किए जाते हैं और उससे जो भी थॉट्स हैं, जो भी अपने आउटपुट चाहिए उन सबको नोट डाउन या रिकॉर्ड किया जाता है. तो ये सारा का सारा प्रोसेस एक बाय द साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के थ्रू किया जाता है. सब कंसेंट लेके किया जाता है, ऐसे नहीं कोई किसी का नहीं कर सकता हिप्नोसिस, बाय ओनली बाय द कंसेंट. साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो कंसेंट लेके हिप्नोसिस कंडक्ट करता है. तो हिप्नोसिस के अंदर भी सीधा सा मतलब है जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको बाहर निकाला जाता है इन द अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियस माइंड. समझ में आ गया आपके हिप्नोसिस. देन सेकंड वी आर डिस्कस कैथारियासिस. व्हाट इज कैथारियासिस? कैथारियासिस इज द प्योरिफिकेशन ऑफ द इमोशन. कैथारियासिस का मतलब होता है इमोशन का प्योरिफिकेशन. इन दिस द थेरेपिस्ट हेल्प द पर्सन सी द रूट ऑफ प्रॉब्लम देन बाय टॉकिंग और बाय सम अदर मींस. किसी भी पर्सन से बात करके उसके थॉट्स को क्या करना, बाहर लेके आना और फीलिंग्स का प्योरिफिकेशन करना. फॉर एग्जांपल समझ लो कोई आदमी है, कोई भी फॉर एग्जांपल है, अपने अंदर फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, एंगर है, उन सब को दबाए हुए रखता है, उन सब चीज़ों को रिप्रेस रखता है. बाय द कैथारियासिस, कैथारियासिस के थ्रू उन सब फीलिंग्स को सबको अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के अंदर लेके आना और पेशेंट के साथ उसको रूबरू करना जिससे पेशेंट अपने सिम्टम्स हैं रिलीव कर सके. तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं कैथारियासिस, प्योरिफिकेशन ऑफ द फीलिंग्स एंड इमोशन, दैट इज नोन एज
कैथारियासिस। कैथारियासिस फॉर एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देखने गए, वहाँ पे कोई ऐसा सीन चल रहा है जैसे ट्रेजिक सीन चल रहा है, तो उसको आप देख के क्या होंगे, आपने सिंपैथी एम्पैथी आपकी उस सीन के अगेंस्ट, उस मूवी के अगेंस्ट हो गई, तो आपने वहाँ पे रोना वगैरह स्टार्ट कर दिया, थोड़े बहुत रोया। तो इस चीज़ को बोलते हैं कैथारसिस, अपनी जो रिप्रेस्ड फीलिंग है, तो जो इमोशन है उनको प्रेजेंट करना कॉन्शियस माइंड के अंदर आकर। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो हीलअप होते हैं बाय दी कैथारसिस। तो ये कैथारसिस होता है। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज एब्रिएक्शन थेरेपी। व्हाट इज एब्रिएक्शन थेरेपी? एब्रिएक्शन थेरेपी, एब्रिएक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच रिप्रेस्ड मटीरियल पर्टिकुलर ए पेनफुल एक्सपीरियंस और कॉन्फ्लिक्ट इज ब्रॉट बैक टू कॉन्शियसनेस। द पर्सन नॉट ओनली रिकॉल बट ऑल्सो रिलीव द मटीरियल विच इज अकम्प्लीट बाय द appropriate emotional response. It is most useful in acute neurotic condition. Abreaction, most painful thoughts को unconscious mind से conscious mind के अंदर लाया जाता है और उसकी feelings को बहुत ज़्यादा explore किया जाता है। For example, जैसे दो हस्बैंड वाइफ है, वो कहीं जा रहे थे कार के अंदर, तो उस टाइम उनका पास्ट में एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट होने पर जो उनके साथ उसकी वाइफ होती है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उसके लिए होता है पास्ट का पेनफुल एक्सपीरियंस थॉट्स, जो वो कभी शो नहीं करना चाहता, अंदर ही अंदर दबा के रखता है। तो अंदर ही अंदर दबा के रखने से उसके अंदर और साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं, जो हस्बैंड है उसके अंदर साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं, वो लेटर ऑन लाइफ के अंदर अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, अगर वो उस इमोशंस को शो नहीं करेगा, उन पेनफुल जो इमोशंस हैं उनको अगर शो नहीं करेगा, वर्बलाइज उसको नहीं करेगा, तो उसके अंदर साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं वो अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। तो एब्रिएक्शन थेरेपी के अंदर बाय द थेरेपिस्ट साइकोएनालिस्ट और साइकेट्रिस्ट के थ्रू उन सब इमोशंस को कॉन्शियस माइंड के अंदर लाया जाता है, पेनफुल जो थॉट्स हैं उनको कॉन्शियस माइंड में लाया जाता है, और कॉन्शियस माइंड में लाने के बाद उन सब को हीलअप किया जाता है। तो उससे जो पेशेंट है एक बार तो जैसे अपने आप को रिलैक्स फील करता है। फॉर एग्जांपल अपन कभी भी दुखी होते हैं या सैड होते हैं, तो अगर रो लेते हैं है ना, बाय द क्राइंग, रोने से जो इमोशंस हैं अपने खुद बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करते हैं, लाइट महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? तो अपन ने वो क्या कर दिया, एब्रिएक्शन थेरेपी या उन इमोशन को शो कर दिया बाय द क्राइंग, उनको एक्सप्रेस कर दिया, ताकि अपना जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं एब्रिएक्शन थेरेपी। नाउ आवर टॉपिक इज साइको एनालिसिस इज कम्प्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल साइको एनालिसिस के अंदर अपने देखा फ्री एसोसिएशन, देन ड्रीम एनालिसिस, हिप्नोसिस, कैथारसिस, एब्रिएक्शन। फ्री एसोसिएशन के अंदर होता है बेसिकली पेशेंट को फ्री फ्लो एनवायरमेंट दे देना, किसी चीज़ के बारे में खुलकर बोलने के लिए बोलना, जिससे अच्छी आईपीआर मेंटेन हो सके पेशेंट और जो साइकेट्रिस्ट है उसके लिए, थेरापिस्ट है उसके बीच में। देन ड्रीम एनालिसिस, उनके ड्रीम का एनालिसिस करना, किस तरह के उसको जो ड्रीम से आते हैं उनका ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस करना। देन हिप्नोसिस, इस टेक्निक के थ्रू भी उसके कॉन्फ्लिक्ट है उन सबको बाहर लेके आना बाय दिस टेक्निक। देन कैथारसिस के थ्रू भी प्योरिफिकेशन ऑफ दी फीलिंग्स का प्योरिफिकेशन करना, इमोशन का प्योरिफिकेशन करना। एब्रिएक्शन, पेनफुल इवेंट्स हैं, थॉट्स हैं, उन सब को कॉन्शियस माइंड के अंदर लेके आना और सबको हील करना। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
In next class is individual psychotherapy. इंडिविजुअल साइकोथेरेपी के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.